हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं देखिए अगस्त फूल का पकोड़ा बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगता है और ये कहा जाता है इस मंथ में खाना चाहिए। ये देखिए इस टाइप का अगस्त फूल होता है। मैं इसे धो काट के साफ कर ली हूँ और ये मैं घोल बना के रखी हूँ। 2-3 चम्मच बड़ा चम्मच बेसन है, 2 चम्मच चावल का आटा है, थोड़ी सी हल्दी है, नमक मिर्चा है, मिर्चा लहसुन कूच के मैं इसमें डाल दी हूँ। इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार फ्रेंड्स डाल देंगे। अब इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, ज़्यादा घोल पतला ना करें। फ्रेंड इसमें अजवाइन डालने से बहुत टेस्टी लगता है। मैं इधर तेल गरम करने चढ़ा दी हूँ, तेल गरम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे ऐसे ऐसे करके डीप करके उसके बाद मैं इसे धीरे धीरे इसमें डालूंगी। डाल चुकी हूँ, एक कलर ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे मीडियम आंच में। इसे इसको पलट के दूसरे साइड से इसको पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ से इसको पलट दी हूँ और ये थोड़ी देर और दोनों साइड से ब्राउन कलर हो जाने पे इसको मैं अब निकाल लूँगी। ये कलर हो चुका है फ्रेंड्स ब्राउन। अब मैं इसे प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना कुरकुरा है, ये बहुत टेस्टी है। ऊपर से मैं इसमें चाट मसाला थोड़ा डालूंगी ये सॉस के साथ। देखिए कितना कुरकुरा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये बहुत कुरकुरा लगता है खाने में। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। ऐसे मैं सॉस के साथ, चटनी के साथ जब खाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे चटनी के साथ खाऊंगी। पकौड़ा बहुत टेस्टी लगता है। आप किसके साथ खा रहे हैं, कैसा आपको पकौड़ा लगा अगस्त फूल का, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।